नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संपर्क ऑनलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के। दोस्तों, आप भी आसानी से घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से संपत्ति कर किस प्रकार से जमा कर सकते हो, हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप भी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल का सब्सक्राइब करने का कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से आपके अगर मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर गूगल सर्च कर लेना है। पहले अब गूगल पे आप आ गए हो तो गूगल पे यहाँ पे आपको सर्च करना है MPE डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी टैक्स, इतना लिख करके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ से आप MP के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे जहाँ से आप आपका प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हो। लेकिन एक बात और दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट से हो यानी कि UP बिहार या झारखंड से हो तो वहाँ के लिए अलग से ऑफिशियल पोर्टल रहता है, तो उसी पोर्टल पे जाके आपको आपका प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में MP के जो मूल निवासी है, जो MP के रहने वाले हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स किस प्रकार से जमा करना है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जो MP के रहने वाले हैं। तो आप यहां से MP डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी टैक्स इस प्रकार से गूगल पे सर्च करोगे तो यहीं पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट दिखेगी MPENagarpalika.gov.in, यहां पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे मध्य प्रदेश सरकार के। यहाँ से आपको ऊपर की ओर अबाउट अस के बगल में आपको क्विक सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत सारी सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज है। इनके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे रेंटल फ़ीस पेमेंट करना है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी फ़िलहाल में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स हम किस प्रकार से उसका पेमेंट करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम प्रॉपर्टी टैक्स के जहाँ से पेमेंट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको आपका प्रॉपर्टी ID, जो आपका जो प्रॉपर्टी के कागजात रहते हैं, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नंबर या प्रॉपर्टी ID लिख दी होती है, उसी ID को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ID दर्ज कर ली है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ से मैंने सर्च किया तो यहाँ से ये पूरी डिटेल निकल आ चुकी है प्रॉपर्टी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप आपका डीमैट और पेमेंट रिपोर्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रिंट और डिटेल डीमैट, इस तरह से कई सारी रिपोर्ट दे रखी है। इसे आप क्लिक करके यहाँ से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से ये डाउनलोड हो चुका है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी, प्रॉपर्टी आपका कौन से वार्ड नंबर में है, कौन से मोहल्ले में है, वो आपका कॉलोनी का नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और आपका यहाँ पे पुराना जो भी प्रॉपर्टी का आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और करंट ईयर का जो टैक्स पेमेंट कितना करना है आपको वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इनका 495 इनका पिछला जो बकाया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमाउंट, और करंट ईयर का जो 150 इनका प्रॉपर्टी टैक्स बना है वो इन्हें पे करना है, यानी इनका पिछला बकाया और वर्तमान ईयर का भी इन्हें पे करना है। दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल 645 हो रहा है, तो इनका इन्हें पेमेंट करना है। तो यहाँ से हम पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा,
यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन से पेमेंट करने से पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेना है आपकी। तो हमने यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी डाल ली है और यहाँ से अब आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल गया है, तो इसे हम सेव कर लेते हैं। इन केस अगर पेमेंट आपकी फेल्ड हो जाती है तो ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर आपका काम आता है, आपकी जो पेमेंट अटक जाती है उसको क्लियर करने में। तो इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा और इसके बाद आप यहाँ से इसे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं पहले इसे पेमेंट को यहाँ से रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसे कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये रिडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट करने के लिए। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम शो कर रहा है, कुछ सर्वर इशू चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये द प्रॉक्सी एरर बता रहा है यहाँ पे। तो हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको भी इस तरह से एरर बताए तो आप एक आध दो बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ दोबारा से। तीन से चार बार प्रोसीड करने के बाद भी दोस्तों पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहां से फिर से बैक आ चुका हूं वही वाले पेज पे जहां से आपको पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड करना है। तो यहां पे आपको मैं वो एक ऑफलाइन तरीका बता देता हूं। ऑफलाइन में दोस्तों आपको आपके नगर पालिका या नगर निगम में जा कर के यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्री डिमेट नोट का, प्रिंट डिमांड नोट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपका एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इसे यहां से आपको ओपन कर लेना है और एक इसका प्रिंटआउट ले लेना है आपका। इसमें सारी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। यहां पे आपका पिछला बकाया भी यहां पे दे रखा है। तो आपको जाना है और ये प्रिंटआउट लेकर के आपके नगर पालिका या नगर निगम के ऑफिस में, और वहाँ पर जा कर के ये आपको इसका प्रिंटआउट दिखाना है और वहाँ पर आपको ऑफलाइन ही प्रोसेस, आपकी जो भी पेमेंट की प्रोसेस रहेगी वो आपकी ऑफलाइन हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आगे आपके लिए और भी नई वीडियो बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।